प्रदेश में बने पहले युद्ध संग्रहालय को खोलने के लिए प्रदेश सरकार व प्रशासन हरकत में आ गया है। इसी के चलते खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री किशन कपूर, सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक व जिला प्रशासन सहित संग्रहालय कमेटी के सदस्य इस काम को सुचारू रूप से करने के लिए बैठक कर विचार विमर्श किया और संग्रहालय के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने संबंधित विभागों को निर्देश देकर जल्द निपटाने के आदेश भी दिए। उन्होंने बताया कि अब जल्द ही यहां युद्धों से संबंधित सामग्री और शेष बचे हुए कार्य को शुरू किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बंद होने से यहां आने वाले सैलानी ही नहीं बल्कि सेना के पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों में भी निराशा बढ़ रही थी। इस संग्रहालय में भारत की तीनों सेनाओं द्वारा युद्ध के दौरान प्रयोग में लाई गई सामग्री सहित उनकी वीर गाथाओं को अंगीकृत किया जाना है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला के मुख्य द्वार व शहीद स्मारक के साथ बनने वाले युद्ध संग्रहालय का काम अचानक स्थिर हो गया था, जिसके चलते लोगों में सरकार व प्रशासन के प्रति दिन प्रतिदिन रोष बढ़ रहा था। लेकिन आज हुई प्रदेश सरकार, सैनिक कल्याण बोर्ड और संग्रहालय कमेटी के सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण बैठक के बाद अब रुके पड़े इस बड़े प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद जागी है। खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने बताया कि प्रदेश के पहले बने युद्ध संग्रहालय के रुके कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं और जल्द ही अब रुके पड़े इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस अपनी प्लेट लगवाना चाहती थी, इस कारण उन्होंने युद्ध संग्रहालय के बने आधे अधूरे भवन का उद्घाटन कर दिया। आज पहली बैठक बार मुस्लिम की हुई, आज इसकी बार मुस्लिम की कमेटी जो है उसके सदस्यों में आज उपस्थित रहे। इनके कुछ इश्यूज थे जिस पर गहन विचार हुआ। जो यहाँ का करने वाला है वो यहाँ के अधिकारी, जो निदेशक सैनिक वेलफेयर भी यहाँ थे और डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर भी यहीं थे, वो यहाँ जो करने वाले हैं। और जिलाधीश महोदय को भी कहा गया कि यहाँ जितने भी इश्यूज पेंडिंग पर हैं उसको तुरंत किया जाए और जो ऊपर बात करने वाली है वो सरकार से ऊपर बात करेंगे, सारे बार म्यूजियम में जो कमियां हैं उसको पूरा करें। सर, एक साल उद्घाटन हो गया है, पिछली सरकार के समय में उद्घाटन हुआ ऐसा है। उद्घाटन जब कोई भी बिल्डिंग पूरी होती है, जब म्यूजियम पूरा हो जाता तो उसके बाद उद्घाटन होते हैं। वो बहुत जल्दबाजी में थे, इलेक्शन नजदीक थे, इसलिए अपनी प्लेट लगाना चाहते थे। वो उनसे पूछिए कि पूरा जब तक नहीं हुआ था म्यूजियम में काम तो उद्घाटन क्यों किया। युद्ध संग्रहालय कमेटी के सदस्य कर्नल एससी शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने इस आधे अधूरे युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन विधानसभा चुनावों से ठीक पहले किया था, लेकिन इस युद्ध संग्रहालय को बनने में अभी बहुत कमियां रह गई थी, इस कारण ये संग्रहालय सुचारू रूप से नहीं चल पाया था। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया है कि इसे जल्द से जल्द सुचारू रूप से चलाया जाए। इसमें ऐसा था कि जब इसका उद्घाटन हुआ था तो इलेक्शन भी आ रहे थे, तो जल्दी जल्दी में पॉसिबली उन्होंने उद्घाटन कर दिया पिछली सरकार ने, लेकिन बहुत सी चीजें, बहुत सी कमियां रह गई थी जो जिसकी वजह से म्यूजियम का जो जैसे सुचारू रूप से चलना चाहिए वो नहीं चल पाया। अभी आज की मीटिंग में डिसाइड किया है कि टाइम बाउंड, मंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि काफ़ी दिन हो गए म्यूजियम चल नहीं रहा है, जो टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए वो वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वो अंदर कोई चीज़ है ही नहीं पड़ी हुई। तो इसका ये है कि आज डिसाइड हुआ है कि इसमें एक्शन लिया जाएगा और जल्दी से जल्दी इसको सुचारू रूप से चलाएंगे।